हेलो फ्रेंड्स मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू आई ए एस बिजनेस अकेडमी फ्रेंड्स ये हमारा मिडावल हिस्ट्री चल रही है यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा है ये उसका दूसरा पार्ट है इससे पहले मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवा दी है तेरह तेरह पार्ट में जिसने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरी प्ले चेक कर लीजिए और जो प्ले चेक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कमेंट में लिंक डाल देता हूँ प्ले लिस्ट का आप उसे जरूर कर क्लिक करके देख लीजिए ये मॉडर्न हिस्ट्री दूसरा पार्ट है ठीक है तो कल इक्यावन क्वेश्चन हो तो आगे शुरू करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले प्रमुख सूफी पूजा ग्रह कहाँ पर स्थित है क्या प्रमुख सूफी पूजा ग्रह पूछा गया कहाँ पर है तो ऑप्शन है पंडुआ बीदर अजमेर शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद तो आपको पता होगा सबसे पहले सूफी शुरू किया था ख्वाजा मोनीदीन चिश्ती ने तो मोनीद्दीन चिश्ती कहाँ के अजमेर के तो यही आंसर है इसका ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने किया था महमूद गजनी मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक किसने किया था महमूद गजनी ने ठीक देखते नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूफी परंपरा में पीर से क्या मतलब है पीर से क्या होता है सर्वोच्च ईश्वर सूफियों का गुरु सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ या सूफियों की आस्थाओं के, के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक क्या है सूफी का मतलब सूफी में पीर का मतलब क्या हो जाएगा सूफियों का गुरु ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है, है. से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था सिकंदर लोधी दौलत खान लोधी राणा सांगा इब्राहिम लोधी कौन था इब्राहिम लोधी था ये पंद्रह सौ छब्बीस में मारा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबा ने सराधी से ठीक है नेक्स्ट कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था ठीक है तो ये इस समय किस राज्य में स्थित है कृष्ण स्वामी मंदिर कहाँ पर इस टाइम कर्नाटक कलकत्ता जम्मू कश्मीर और केरल किसने बनवाया था कृष्णदेव राय ने कहा हम्पी में तो हम्पी कहाँ पर है ये, ये हम्पी कहाँ पर इस टाइम कर्नाटक में खत्म ठीक नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है जैसे कि भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की इसको लेकर दो मत मतें कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने मारा मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट आंसर और कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया है हुमायूं के शासनकाल के दौरान ढाई दिन के लिए एक राजा बना था निजाम भिश्ती नाम था उसका निजाम और भिश्ती था वो इसने शुरू किए कुछ लोग कहते हैं तो ये कंट्रोवर्शियल है इस हिसाब से तो आंसर इसका मोहम्मद एम बी टी हो जाएगा लेकिन और कहीं कहीं आंसर इसका ये भी देते हैं कहीं कहीं वो भी देते हैं तो ये कन्फ्यूजन है मैं भी बता रहा हूँ एम बी टी है इसका आंसर यहाँ पर अगर वो नाम होता है यहाँ पर तो वो होता लेकिन अभी तो फिलहाल एम नाम है ठीक है एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा थैंक यू नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो क्वेश्चन है तराइन तो के प्रथम युद्ध में न्यून में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था तो पहले तो में किसके पीछे होता है बलवन के पीछे मोहम्मद गौरी महमूद गजनी अल्तमिश किसके पीछे था मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था इसी को तो हराया था फिर दूसरी बार में ये जीत गया था आमुक्त मुक्त माल्यासकी रचना है कौन सी आमुक्त माल्याद किसकी कृष्णदेव राय खारवेल अल्लाह पेदना किसकी है कृष्णदेव राय की मैंने बताया था ये भी बहुत अच्छे राइटर भी थे साथ में कवि भी थे बहुत अच्छे इनके मेरे दरबार में अष्टिट वो भी सब कवि थे ठीक। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था किस चीज बंगला को ब्रजभाषा को अवधि को, को? लोकप्रिय बनाया जी असमीय कवि थे नेक्स्ट <coughs> है ताली की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी पंद्रह सौ पैंसठ पंद्रह सौ पचहत्तर पंद्रह सौ पचासी पंद्रह सौ सत्तर कब हुई थी पंद्रह सौ पैंसठ में किसके बीच हुई थी ये हुई थी बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुई थी ठीक है बहमनी साम्राज्य जीत गए थे इससे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया तराइन के ग्यारह सौ इक्यानवे ग्यारह सौ बानवे चंदावर का ग्यारह सौ तिरानवे में या फिर रथम्बर का ग्यारह सौ पचानवे में तो पहले युद्ध में यह हार गया था ठीक है दूसरे जीत गया था कौन से अगले बस ये आंसर है खलीफा से प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था इल्तुतमिश बलबन फिरोज तुगलक अलाउद्दीन खिलजी। कौन था इल्तुतमिश अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे फिरोज तुगलक अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक बलबन यह क्वेश्चन हमने आपको कल बताया था और यह भी बताया था कि सैन्य प्रणाली बहुत मतलब ताकतवर थी तो आए तो थे लेकिन फिर आक्रमण कर नहीं पाए कौन एम बी किसके टाइम पर आए थे ये आए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर ठीक है लेकिन इसकी सैन्य प्रणाली बहुत शासन प्रणाली बहुत अच्छी थी इसलिए वो ज़्यादा अटैक कर नहीं पाए इंडिया में इसने सब दबा दिए बाजार विनियमन प्रणाली प्रारंभ किसने की थी एम बी टीम अलाउद्दीन खिलजी और ग्यासुद्दीन द्वारा तो यह भी आपको हमने कल बताया था कि बाजार नियमन प्रणाली किसने शुरू की थी बाजार पूरी तो नियंत्रण में कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने ठीक खिल में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति को अपनाया था किसे फारसी रीति रिवाजों को ठीक है फारसी अलाउद्दीन खिलजी जिलान खिलजी अल्तमिश अलतमश या फिर बलबन यानी अलतमश हो गया यहाँ पर ठीक है नाम तो देखते हैं किसने अपनाया था किसने अपनाया था बलबन ने क्योंकि ये फारस से ही आया था और इसी ने सबसे पहले नवरोज मनाना शुरू किया था क्या नवरोज पारसियों का त्यौहार है ठीक है नौ रोज सिजा पावोज प्रथा भी इसी शुरू की थी रक्त लाव रक्त की नीति भी इसी ने अपनाई थी निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है हुसैन शाह अमीर खुसरो बारक बारबक शाह नानक तोता कह सकते हैं तूती ये है, हिंद बोल सकते हैं कुछ लिख कर सकता है एग्ज़ाम में कैसे कहते हैं अमीर खुजरो ठीक नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नीचे देखे दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कलानुक्रम नुक्रम कीजिए कि सबसे पहले कौन आया था ये पूछा गया तो कौन आया था ग़ुलाम फिर आए थे खिलजी गुड़ यानी कि खा तस्ले में यानी से ता से ताशे और सा से हो गया सैद और ला से हो गया लो लोदी यानी कि लो कहते गुड़ खा कहते तो हैं गुड़ खा तसले में गु से गुलाम हो गया खा से खिलजी हो गया ता से तुगलक तो हो गया और सास से सैयद हो गया एक तो दिए नहीं लोदी तो यानी कि क्या है ऐसा करके देखते हैं तो पहले चार आएगा फिर आएगा एक गुड़ खा तसले में फिर आएगा तो फोर ये फोर वन टू थ्री ठीक ये आला आंसर हमारा डी अब मे से मुगल हो जाता है अगर वो पूछा पूरे सीरीज़ में तो मुगल लास्ट हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था कुतुबुद्दीन एबक मिनासराज इल्तुतमिश गसुदीन बलबन उदारक कौन था ग्यासुद्दीन बलबन ठीक <coughs> नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान दौलताबाद जहां एम ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप स्थित है कहाँ पर स्थित है मैसूर में औरंगाबाद में निजामाबाद में भोपाल में किसके पास स्थित है औरंगाबाद में ठीक जिसे देवगिरी कहते हैं ठीक तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था सिकंदर तथा तो पोरस जयचंद तथा तो मोहम्मद गौरी अकबर तथा तो हेमू पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी गया था मोहम्मद गौरी वो थे ग्यारह सौ बानवे में कौन जीता था मोहम्मद गौरी जीता था, था पहले में हार गया था कौन था कौन जीता चौहान ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था अलाउद्दीन खिलजी फिरोज तुगलक मोहम्मद तुगलक बलवन कौन था फिरोज तुगलक इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिए ठीक है निम्न में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया किसने किया था अलाउद्दीन खिलजी एमबीटी बी खिलजी फिरोज तुगलक तो किसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था एमबीटी बी नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था ग्यारह सौ छः बारह सौ छः तेरह सौ छः चौदह सौ छः प्रारंभ बारह में ठीक है नेक्स्ट देखते हैं और बारह सौ छः से कब तक चला था ये लिख लीजिए आप बारह छः से कब चला था पंद्रह सौ छब्बीस यहीं पे ख़त्म होगा गया तो फिर मुगल आ गए थे किस दिल्ली दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई थी, थी? किसकी कठोर नीति बताया था भी आपको थोड़ी पहले अलाउद्दीन खिलजी गैसुद्दीन तुगलक बलबन अलतुतमिश किसने अपनाई थी बलबन ने इसने लो रक्त की नीति अपनाई थी वही है निम्न से से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन भा, निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ मतलब ऐसी क्या चीज बनाई गई जो इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई थी ठीक है पहले क्या था वो पहला चीज़ फिर अलाई दरवाजा था क्या था अलाई दरवाजा था ठीक है नेक्स्ट किस सल्तनत का अंतिम वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था लोदी गुलाम खिलजी सैयद तो वही गुड़ खा तसले तसले तो ला आ गया मैं से मुगल तो ला कहाँ है लोधी ठीक यही है हमारा लास्ट ऐसा बनाओ जैसे आप कर आपको याद होना चाहिए चौदवी सदी का यात्री इब्ने बतूता किस जगह से भारत आया था चीन तिब्बत मोरक्को ग्रीस ये मैंने आपको कल बताया था इसे मूर देश भी कहते हैं मूर देश कहीं ये भी लिखा जाएगा कौन था मोर कोटिक मनियरों का राजकुमार किसे कहते हैं किसे मनियरों का इब्राहिम लोदी बाबर अकबर मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहते हैं एमबीटी बी कैसे दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा खिजर खां मलिक काफूर शाजी मलिक उलूक खां कैसे सौंपा मलिक काफूर को इसने दक्षिण विजय पूरा कर भी लिया था इसने सब दक्षिण विजय कर ली तो सबको हरा दिया इसने आमिर खुसरो कौन था कवि नाटक के लेखक चित्रकार वास्तुकार कौन था कवि इसने गजल का आविष्कार किया कव्वाली का आविष्कार किया तबले का आविष्कार किया बहुत सारी चीजें इसने आविष्कार किए अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक बलबन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक किसने बनवाया था ऐबक ने ठीक दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी खिलजी लोधी तमारा तुगलक जो तमारा कह सकते या फिर कह सकते तोमर क्या तोमर वंश के लोगों के राजन ठीक है तो क्या तोमर हो जाएगा ये ठीक मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तामिल पीतल के पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी जापान ग्रीस चीन रूस किस उदाहरण लिया था चीन का उदाहरण लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तालोकम, तलिकोटा कानवा पानीपत अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कहाँ किससे तली की जो पंद्रह पैंसठ में हुआ था इससे विजय साम्राज्य खत्म हो गया ठीक किस तुर्की शासक ने ये तुर्की के शासक ने भारत में एक हजार और एक हजार छब्बीस ईस्वी के बीच चौदह बार आक्रमण किया महमूद गजनबी मोहम्मद तुगलक चंगेज खां महमूद गालिब किसने महमूद गजनबी ने लेकिन ये गलत है उसने सत्रह बार किया था चलो जो भी लिखा महमूद गजनबी ये ठीक दीवाने कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था दवाने कोहि एमबीटी अलाउद्दीन खिल तो खिलजी फिरोज तुगलक जलालुद्दीन खिलजी किसके द्वारा एमबीटी द्वारा याद रखा गया, गया। दीवाने कोही कृषक विभाग था ठीक जयपुर के राजा राजाई मोहन सवाई जयसिंह ने कहा स्थित वेदशाला का निर्माण नहीं कराया था मतलब इन्होंने एक जगह नहीं कर बाकी इन्होंने बहुत जगह करवाया था वेदशाला निर्माण वाराणसी इलाहाबाद उज्जैन मथुरा बनारस में करवाया था उज्जैन में मथुरा मलिंग कहाँ नहीं करवाया था इलाहाबाद नहीं करवाया था तलिकोटा के युद्ध तो के समय विजयनगर साम्राज्य में तो कौन से राजवंश का राज था संगम अनिरिदो अनिरिदु ने कहा अरिविडो याला साम्राज्य भी था ठीक अनिरिदु नहीं हुआ इस था। इसका आंसर क्या जाएगा तुलुब क्या हो जाएगा तुलुब वंश का था, था। दिल्ली का दिल्ली की या दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था अकबर शाहजहां ऐबक अलाउद्दीन खिलजी कौन था कुतुबुद्दीन ठीक है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक फरोज तुगला से खताबाद कौन ले गया था दौलताबाद बोल सकते हैं फिर देवगिरी बोल सकते हैं देवगिरी लिख सकते हैं देवगिरी एक ही बात है तो कौन ले गया था एम, ए, एम बी टी नेक्स्ट है विजयनगर शहर और किस नाम से जानाता है और किस नाम से जाना है विजयनगर क्या कहते हैं हेली बीडू चंद्रगिरी हम्पी कोंदा बीडू क्या कहते हैं हम्पी खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था सैयद लोदी राजपूत खिलजी खिलज खान ने किसकी -किस शुरुआत की थी सैयद वंश की किसकी सैयद वंश की, की। हैं और ये वीडियो जो है किसी भी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है सभी के लिए बेनिफिशियल है चाहे वो एस एस सी जी डी ओ सी एच एस एल होमटीएस हो या फिर यूपीएससी बी डी ओ जूनियर जुनेसटेन वंदर होगा कोई भी देख सकते यार यार सब लोग सभी के प्रीवियर क्वेश्चन है ठीक है निम्न लिखित तुलकी राजवंश के लिए के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे ग्यासुद्दीन मोहम्मद मितुगलक फिरोज शाह तुगल महमूद तकलग तो वही था कौन था एम बी टी ठीक कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरोली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है कौन सा मेहरोली पिलर क्यों फेमस है लोकप्रिय ऊंचाई के कारण पत्थर पर हुई कटाई की कारिगरी कारण उत्कृष्ट गुणवत्ता की कारण या पर बुद्ध की मूर्ति कारण किस पर किसके लिए फेमस है ये उत्कृष्ट गुणवत्ता की कारण ठीक है बताते इसमें जंग आसने लगी है जो लोहा चांदी का सिक्का टंका किसने जलाया था ऐबक इल्तुतमिश बलवन और बहराम खां जिसे चलवाया था एलतोते शून्य चांदी का चलवाया था जिसे टंका कहते थे और एक जीतल चलवाया था जीतल ठीक है जीतल तांबे का था किसका तांबे का गोल गुंबद क्या है हैदराबादली का मकबरा औरंगजेब भी भी का मकबरा चांदवीबींग मकबरा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा क्या है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे मतलब इन्होंने बहुत राजाओं का, काल देखा अलाउद्दीन खिलजी बलबन जलालुद्दीन खिलजी इनमें से एक के नहीं थे बाकी सबके में थे किसके में, में नहीं थे ठीक अच्छा अच्छा नामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है कुषाण हून अरब यूनानी किसमें अरबों का और दोस्तों अगर आपको मेरी एस एस सी के वो की तैयारी करनी है तो वो भी मैं डेली करवाता हूँ सुबह साढ़े दस बजे टाइम वीडियो आता है उसे सिर्फ देखिए उसकी पेलिज बनी हुई है और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए ठीक है और वीडियो को लाइक कीजिए दिल्ली सल्तनत की राष्ट्र की भाषा क्या थी उर्दू अरबी फारसी हिंदी तो क्या थी फारसी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी दिल्ली से वारंगल दिल्ली से देवगिरी दिल्ली से मदुर दिल्ली से विजयनगर तो ये आसान क्वेश्चन है अभी आपने ऊपर पढ़ा तो दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद कुछ ले सकते क्या दौलताबाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी रजिया सुल्तान हामिदा बेगम एगम हजरत महल कौन थी रजिया सुल्तान और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हम्पी किसके लिए जानी जाती थी ये गोलकुंडा की राजधानी थी मध्यकालीन भारत में ये सबसे बड़ा अस्तबल था यहाँ फारसी यहाँ फारसी में भारतीय महाकाव्य अनुवाद थे यहाँ विजयनगर की राजधानी थी तो ये जिसके लिए जानी जाती है इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कल वाले क्वेश्चन का आंसर खान का था सूफी संत किससे रिलेटेड थे खान कहा जाता रखे ऑप्शन सी था उसका आंसर सही ठीक थैंक यू